हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज़ विकास राणा स्टूडेंट्स हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी पी मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं हमारा जो सेशन है हमारा जो कोर्सेज है, है ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन हैं हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं जहां पर आपको कॉन्टेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में आपको क्या करना है हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से जो कि आप इजीली कैरियर क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं एंड वन

नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको हंड्रेड क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट पी मिलेगी वो आप रिविजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एक्सपेरियंट्स हैं इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं चाहे वो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश त्रिपुरा तेलंगाना कोई भी स्टेट हो नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज नेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल अफेयर्स स्पोर्ट्स डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्स एंड वेब पोर्टल्स नेम द टॉपिक और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं जो भी एमओ यू साइंस किए जाते हैं जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कॉन्टेंट जहां पर हम आपको सारा कॉन्टेंट एक ही जगह पर प्रोवाइड हेलो हाउ आर आर यू यू ऑल ऑल आई होप गुड स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ ट्वेंटी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द गर्मेंट एक्सपीरियंट एंड आई सजेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एज यू विलनिंग मल्टीपल इंफॉर्मेशन दैट विल भी हेल्पिंग फॉर योर प्रिपरेशन ऑल्सो दोस्तों एक चीज और टॉपिक वाइज ये वीडियो जो हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं ना जरूर देखा करो बहुत हेल्पफुल रहती हैं मंथली बेसिस पे होती हैं जैसे आपका टॉपिक्स हो गया डिफेंस ऐप एंड वेब पोर्टल गवर्नमेंट रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम्स लॉन्च की हों उनसे रिलेटेड नेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल अफेयर्स तो चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ़ कंज्यूमर अफेयर्स की नेशनल अफेयर्स के अंडर आ जाता है तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अभी क्या करा इनके द्वारा एक कमिटी सेटअप की गई है कि जो तूर दाल होती है फिर अरहर की दाल होती है उसका इम्पोर्टर्स मिलेडर्स, ट्रेडर्स और जो बाकी एंटिटी हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से तूर दाल से या अरहर से जो डील करती हैं उनके ऊपर एक निगरानी रखने के लिए कि वो इनके अंडर आ सके और उनका जो स्टॉक्स है उसको मैनिपुलेट ना, बेसिकली स्टॉक मतलब जैसे ये दाल है इसको क्या करते हैं ट्रेडर्स कि मार्केट में प्राइस बढ़ाने के लिए इसको स्टोर करके रख लेते हैं अब ये स्टोर हो गया तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई उतनी रहेगी क्योंकि इन्होंने स्टोर कर लिया है अगर सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएंगे तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इवन देखा गया है कि जो प्लेयर्स हैं जो आप बिचौलिया कह सकते हैं या फिर जो मिडल मैन हैं उनके द्वारा यहाँ पे प्राइस में मैन्युपुलेशन होता है प्रोडक्ट को स्टोर करके तो इसी के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई कि जो मॉनिटर स्टॉक डिस्क्लोजर है उसके ऊपर ध्यान रखेगी उसके ऊपर मॉनिटर करेगी इस कमेटी को जो चेयर करेंगी वो कौन है निधि खारे ठीक है बेसिकली जो होर्डिंग कर लेते हैं लोग प्रोडक्ट की स्टॉक्स की उनको एक तरीके से उनके ऊपर चेक रखने के लिए और मार्केट में जो प्राइस है वो बढ़ाया ना जा सके इसीलिए यह कमेटी सेटअप की गई है ठीक है काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है मार्क करेंगे फिर यहीं पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इनके द्वारा यह कमेटी सेटअप की गई टू मॉनिटर द स्टॉक ऑफ तूर या अरहर जो कि हेल्ड बाय इंपोर्टर्स मिलर्स ट्रेडर्स एंड अदर सर्च एंटिटीज निधि खारेजी के द्वारा इसको चेयर किया जाएगा और यह एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की ठीक है नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी एक नौ मेंबर का टास्क फोर्स सेटअप किया गया टू मेक इंडिया अ प्रोडक्ट डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन अब देखो इंडिया में हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की राइट right? हम बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने की ये दोनों चीज क्या है कि हमें जो प्रोडक्शन है प्रोडक्ट्स की या फिर मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ानी है हम चीज़ों को इम्पोर्ट ना करें बल्कि एक्सपोर्ट करें ये टारगेट है इंडिया का ये एम के साथ इंडिया वर्क कर रहा है आज की जनरेशन में कि हमें प्रोडक्ट्स हमें फैक्ट्री बनना है हम चाहते हैं चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है लेकिन हम चाइना को रिप्लेस करना चाहते हैं टू बी द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यहीं पर अगर आपको याद हो गुजरात में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग का एक हब सेटअप किया जा रहा है फोक्सकॉन एंड वेदांता के द्वारा मिलके वहीं पे गुजरात में आप देखेंगे आर्टिफिशियल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग भी गुजरात में शिफ्ट कर दी गई है बॉम्बे से और right, तो आप ये देखेंगे कि जो इंडिया एक ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री पे है वहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं ठीक है तो यहीं पर इसी रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे एक पी स्कीम लॉन्च की गई थी नॉट अंडर दिस स्कीम एक पी स्कीम वैसे लॉन्च की गई थी वो है फुल फॉर्म क्या होती है पी की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कि आप प्रोडक्ट ग्रो करो प्रोडक्ट बनाओ उसके हिसाब से जो इंसेंटिवस होंगे सरकार के द्वारा दिए जाएंगे यहाँ पे छत्तीस हजार करोड़ रुपए की ये पी स्कीम लॉन्च की गई थी स्मार्टफोन्स के लिए दो में जहाँ पे हमें जैसे लावा पैंगट्रॉन वेस्टर्न एप्पल कनेक्ट जैसे मैन्युफैक्चरर ठीक है एम्पल एप्पल ने कांटेक्ट किया फॉक्कॉन जोन के लिए प्रोडक्ट बनाता है लावा इन सब के द्वारा यहाँ पे कांटेक्ट किया गया और इनको यहाँ पे प्रोडक्शन अगर ये इंडिया में करते हैं तो इनको बेनिफिट दिया जाएगा फिर अगर मैं बात करूँ वाइट गुड्स की जैसे ए आपके एल लाइट्स इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने की बात की गई कि प्रोडक्शन करो इवन अगर आपको याद हो इंडिया में टॉयज़ बनाने की बात की गई थी कर्नाटका में कि इंडिया से इंडिया में जो हम टॉयज़ इम्पोर्ट करते थे चाइना से उनके डिपेंडेंस खत्म हो सके और इंडिया खुद एक आत्मनिर्भर बन सके टॉयज में तो यह है एक प्रोडक्शन का यह है एक मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रॉग होल्ड पावर कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं किसी प्रोडक्ट की तो हमें दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा नेक्स्ट गुजरात गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इनके द्वारा रूल आउट किया गया कि जो टोबैको कोटेड विद नेचुरल एडिबल गम है विल हैव जीएसटी ऑफ हाउ मच परसेंट उस पर कितने परसेंट का जीएसटी होगा उस पर अट्ठाईस का जीएसटी होगा ठीक है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा ये बोला गया कि जो टोबैको कोटेड होगा ना नेचुरल एडिबल गम से आप उस पर कितना परसेंट जीएसटी लोगे 28 परसेंट जीएसटी लगेगा और कंपनसेशन सेस कितना होगा यहाँ पे सेवेंटी वन परसेंट कम्पनसेशन सेस रहेगा ठीक है डबल ए आर ने स्टेट किया कि जो भी नो न्यू प्रोडक्ट एमर्जेस फ्रॉम द पॉस्ट कोटिंग प्रोसेस कोटिंग के बाद कोई भी न्यू प्रोडक्ट एमर्ज नहीं होगा इसमें से एज वेल एज दिस प्रोजेक्ट और दिस प्रोडक्ट विल बी क्लासीफाइड एस अनमेनुफैक्चरड रॉ टोबैको लीव जहां पर अट्ठाइस परसेंट का जीएसटी लगेगा और सेवेंटी वन कंपनसेशन एज वुड बी एप्लीकेबल फॉर द गम कोटेड टोबैको लीवस नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात डबल ए आर इन्होंने अट्ठाईस परसेंट का कंपनसेशन सेस लगाया फॉर टोबैको सोल्ड इन गनी बैग्स मूविंग ऑन फिर आ जाता है फॉस्टर रिफॉर्म्स कैन गिव अ बूस्ट टू इंडियन ग्रोथ स्टोरी दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय होम देखो फॉस्टर रिफॉर्म्स है ना ये इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ना उसमें काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है और ऐसा डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी उसमें ये डाटा आया और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या रहेगी फॉलोइंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ परस्पेक्ट ट्रेंड्स एक्सपेक्टेशन एंड पॉलिसीज इस रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड बैंक ने बताया कि इंडिया की जो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आने वाले टाइम में एज वेल एज आप देखेंगे जो बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहाँ पे सेक्टर्स से है ना बहुत ज़्यादा एडवांस है और यहाँ पे जो रिफॉर्म जिस तरीके से जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाती हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर रहती है इवन अगर आप देखें यूएसए में अभी क्या हो रहा है आप काफी बैंक्स फेल होते दिख रहे हैं नॉट जस्ट इन यूएस आप यूके में भी देखेंगे क्रेडिट स्विस ये आपका बैंक बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है तो काफी सारे बैंक्स अभी ऐसे हैं जो दो कॉन्टिनेंट्स में अभी दो बैंक ऐसे हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में या फिर एक सिंपल टर्म में वो बोलूँ पूरे वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स हैं कॉन्टिनेंट में से दो कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जहां पे बैंक्स फेल होने लग गए हैं तो ये क्या दर्शाता है कि रिसेशन ये क्या दर्शाता है कि मंदी आने वाली है ये क्या दिखाता है कि काफी ज्यादा इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो अब यही देखो कि अगर पूरे वर्ल्ड में ये सिचुएशन है और वहीं पे अदर ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुट पे खड़ा है इंडिया की जो पॉलिसीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्प्लीमेंट अच्छे से की गई हैं और आर बी आई यहाँ पर इन सभी बैंकस के ऊपर चेक भी रखता है अगर कोई ऐसी हमें दिखती है प्रॉब्लम आते हुए तो आर बी आई कीप्स अ चेक ऑन इट कि ऐसी सिचुएशन इंडिया में ना बने ठीक है यहीं पे आप देखेंगे इट रिकमेंड्स टू इंप्लीमेंट चेंजेस एम्ड एट स्टीम लाइनिंग द फंक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक प्रमोटिंग फेयरनेस विद द बैंकिंग सेक्टर एंड फॉस्टरिंग द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इट सजेस्टेड इंप्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स जो कि प्रपोज किए गए टास्क फोर्स के द्वारा ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड इम्प्रूविंग द कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड फाइनेंसिंग यहां पर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की बात करें इंडिया में ये स्लो हो गई है एवन एन एवरेज ऑफ टेन पॉइंट फाइव परसेंट इन दो हजार से दो हजार दस के बीच में जो कि अब दो हजार ग्यारह से दो हजार इक्कीस परसेंट बची है ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट है जी ट्वेंटी एक्सपर्ट ग्रुप ऑन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक देखो सबसे पहली चीज जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी किसके पास है इंडिया के पास है नवंबर दो हजार दिसंबर uh, 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक इंडिया के पास प्रेसिडेंसी रहेगी और वासुदेव कुटुंबकम यहां पे थीम रहेगी अब क्या हो रहा है कि इंडिया के पास आप हम जानते हैं कि प्रेसिडेंसी है तो यहां पर जो जी टू जी ट्वेंटी एक्सपर्ट ग्रुप है ना यहां पर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के ऊपर जैसे कोलैप्स हुआ तो यहाँ पर जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है ना उनके ऊपर स्ट्रेंथनिंग की बात की गई उनके ऊपर काफ़ी अलग पॉलिसी चेंजेस काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रक्चरिंग की बात की गई और यहीं पे इंश्योर किया गया हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की जनरेशन में तो क्लाइमेट चेंज से जब हम कॉम्पैक्ट करेंगे अब क्लाइमेट चेंज से कॉम्पैक्ट कैसे करेंगे कि हमें अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको इस हिसाब से ढालना पड़ेगा कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से हो उससे आधारित हों पॉल्यूशन कम करें जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाए वो ऐसे हों कि उस पर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ की जाए ना कि नॉन ट्रेड जो ट्रेडिशनल सोर्स हैं जैसे कोल वगैरह पेट्रोलियम से एनर्जी यूज ना की जाए सोलर एनर्जी पर शिफ्ट किया जाए तो इस सब में ना खर्चा होता है इस सब में पैसे लगेंगे तो उसके फाइनेंस के लिए ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहां पर जो चैलेंजेस फेस किए जाएंगे उसके ऊपर यहां पे बात की गई ड्यूरिंग दिस जी ट्वेंटी एक्सपर्ट ग्रुप ऑन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स और ये कोई ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा अमाउंट है बहुत बड़ा अमाउंट हमें लगेगा अगर हमें क्लाइमेट चेंज से टैकल करना है हमें पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है साफ सफाई रखनी है तो उसके लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस हमें यहां पर फेस करने पड़ेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं यहां पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा एक्सपर्ट ग्रुप का द एक्सपर्ट ग्रुप विल प्रिपेयर अ रोडमैप फॉर एन अपडेटेड मल्टीलेटरल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक इको सिस्टम फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ये जो रोडमैप है ये काफी सारे माइलस्टोन और टाइमलाइन से होगा टचिंग अपॉन द एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इवोल्यूशन इंक्लूडिंग इट्स ऑपेशनल अप्रोचेस एंड फाइनेंशियल कपेसिटी सो दैट मल्टीलेटल डेवलपमेंट बैंक आर बेटर इक्विप्ड टू फाइनेंस वाइडर रेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ट्रांसबाउंड चैलेंजेस नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स दो हजार तेईस के हिसाब से मोस्ट इंपेक्टेड कंट्री विद टेररिज्म इन दिस वर्ल्ड कौन सी रहेगी जरा बताओ अब देखो हम बात करें आपकी टेररिज्म की ठीक है टेररिज्म आतंकवाद आतंकवाद से हम देखते हैं पाकिस्तान को बोला जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा टेररिज्म इन्फेक्टेड कंट्री है लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा अभी तालिबान ने कहाँ पे कब्जा कर लिया वापस वो है अफगानिस्तान अफग़ानिस्तान फॉर द लास्ट फोर इयर्स कॉन्सिक्यूटिवली टॉप कर रहा है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो कि दर्शाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टेड कंट्री है विद टेररिज्म और यहीं पर अगर मैं बात करूं इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस इंडेक्स में तेरहवीं पोजीशन पे इंडिया आ जाता है इन द टर्म्स ऑफ टेररिज्म और फोर्थ फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है अफगानिस्तान ठीक है और ये फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव यहां पर है जहां पर इन्होंने टॉप किया इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है इसका टेंथ एडिशन अभी रिलीज किया गया था और किसके द्वारा ये एडिशन रिलीज किया जाता है ये रिलीज किया जाता है आई के द्वारा इंटरने इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आई रिपीट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये आपका रिलीज किया जाता है और यहीं पे दर्शाया गया और बताया गया कि अफगानिस्तान आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टेड कंट्री है विद टेररिज्म ठीक है यहां पे आप देख सकते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स था दसवां एडिशन था ये रिलीज किया गया था ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा और अफगानिस्तान फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव यह टॉप पर रहा इन द मोस्ट इंपैक्टेड कंट्री विद टेररिज्म नेक्स्ट आईडीएफसी की बात करूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पार्टनर किया क्रंच फिश के साथ टू डेमोन्स्ट्रेट ऑफलाइन रिटेल पेमेंट ये ऑफलाइन रिटेल पेमेंट क्या कि इवन इन जैसे रिमोट एरियाज में हम देखते हैं कि काफ़ी जगह ऐसी होती है कि प्रॉपर सिग्नल्स नहीं आते हैं अभी भी तो उन जगह पर अगर आपको यूपीआई की फैसिल उन जगह पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ऑफ दिस ऑफलाइन रिटेल पेमेंट जहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अभी पार्टनर किया है क्रंच फिश के साथ ताकि आपको उस एरिया में भी जहां पर आपके कनेक्शन नहीं है सिग्नल्स नहीं आ रहे प्रॉपरली इंटरनेट कनेक्शन नहीं है वहां पर भी आपको पेमेंट्स डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की यहां पे बात की गई काफी इंपॉर्टेंट इसको मार्क करेंगे ठीक है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये पार्ट बन गया है ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पायलट प्रोजेक्ट का जहां पर ऑफलाइन पेमेंट्स की बात की गई क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में बहुत सारी लोकेशन अभी ऐसी हैं जहां पर नेट नहीं जाता है आप कहीं पहाड़ों पे घूमने चले जाइए काफी रिमोट एरिया में आपको समझ आएगा कि वहां पर अभी तक नेट कनेक्टिविटी नहीं आई है और वहां पर भी लोग आप देखेंगे क्यू आर कोड रखे होते हैं या फिर वहां पे वो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने को रेडी हैं लेकिन सिग्नल ही नहीं आते तो वो बेचारे कैसे करेंगे एक्सेप्ट तो ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए कि अगर हम नहीं पहुंचा सकते तो क्या हुआ हम एक ऑफलाइन पेमेंट मेथड को यहाँ पे स्टेब्लिश कर देते हैं और इसी के लिए आई फर्स्ट बैंक ने पार्टनर किया क्रंच फिश के साथ ठीक है अगर मैं क्रंच फिश की बात करूँ सीईओ कौन रहेंगे यहाँ पे जोसिम सेमसन और हेडक्वार्टर रहेगा स्वीडन में ठीक नेक्स्ट सेबी सेबी ने एक्सटेंड कर दिया अपनी डेडलाइंस फॉर एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स फॉर द नॉमिनेशन ऑफ एलिजिबल ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट अंटिल सितंबर दो हजार सप्तीस सप्तम्बर दो हजार तेईस देखो अभी क्या किया गया था आप ट्रेडिंग करते हो आप बाय सेल करते हो शेयर्स को आप इक्विटी में पैसा लगाते हो या आईपीओ लेते हो या जो भी आप ट्रेडिंग करते हो अगर आपको वो कंटिन्यू करनी है ना तो आपको नॉमिनी घोषित करने पड़ेंगे नॉमिनी घोषित करना जरूरी है कि अगर किसी की कोई भी अगर उ, कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आपके नॉमिनी को वहां पे कांटेक्ट किया जा सके एंड उनसे डील की जा सके तो अभी जो ये डेडलाइन थी ना इसकी वो डेडलाइन थी इससे पहले 31 मार्च अब उस डेडलाइन को बढ़ा के कर दिया गया है तीस सितंबर दो ठीक है और ये बोला गया कि अगर तीस सितंबर तक आप जो लोग हैं ये अपने नॉमिनी नहीं कर फिल कर पाते हैं रजिस्टर नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपका जो डीमेट अकाउंट होगा ना वो फ्रीज हो जाएगा वहीं पे आप उस पर कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे शेयर्स को बाय सेल भी नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट साउथ इंडियन बैंक इन्होंने अभी टाइप किया किसके साथ विद डैश फॉर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए अभी साउथ इंडियन बैंक ने सीबीडीटी के साथ टाइप किया जो कि है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ताकि रिटेल से एंड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर से डायरेक्टली पैसे को कलेक्ट किया जाए इसलिए यह टाइप किया गया इस पैक्ट ये पैक्ट अलाउ करेगा टैक्स पेयर्स टू रेमिट डायरेक्ट टैक्सेस अंडर ओवर द काउंटर मोड अंडर ओवर द काउंटर मोड के अंडर डायरेक्टली यहाँ पे रिटेल एंड जो आपके कॉरपोरेट टैक्स पेयर्स हैं वो डायरेक्टली पैसा पे कर पाएंगे टैक्स को डायरेक्टली पे कर पाएंगे ठीक है फिर यहीं पे याद रखेंगे बाय कैरिंग आउट द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ सीबीडीटी अंडर द न्यू टी आई एन दिस फैसिलिटी विल सर्व एज ए रिलायबल पार्टनर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विल एनहेंस द बैंक कलेक्शन विद एस आई बी जो कि है साउथ इंडियन बैंक यहां पे इनका एम रहेगा टू मेक टैक्स पेमेंट्स मोर कन्वीनियंट फॉर कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद अल्टरनेट ऑप्शंस दैट आर सीमलेस एंड ऑप्शन फ्री साउथ इंडियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे मुराली रामाकृष्णन हेडक्वार्टर कहा रहेगा थिसूर केरला में नेक्स्ट सी आर आई एफ कनेक्ट प्राइवेट इनके द्वारा अभी इनको आरबीआई का लाइसेंस मिला टू ऑपरेट एज अ एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर डायरेक्टली याद रखेंगे अभी आरबीआई के द्वारा किन को एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला वो है सी आर आई एफ कनेक्ट प्राइवेट नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है अभी एक बै हुई और बैंशोरेंस मैंने आपको बता रखा है क्या होता है जब एक बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप कर लेता है और इस टाइप में क्या होता है जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक तो अभी यहीं पर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने एक कॉरपोरेट एजेंसी के साथ एग्रीमेंट साइन किया वो है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस ठीक है याद रखेंगे डायरेक्टली नेक्स्ट फिर आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्होंने एक एमओयू साइन किया नाइनटीन कैप्टिव एम्प्लॉयर्स के साथ अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये एम्प्लॉयर्स जो होंगे ना उन्नीस एम्प्लॉयर्स ये काफ़ी ज्यादा लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे और ये एम्प्लॉयर्स यहाँ पे जो नाइनटीन कैप्टिव एम्प्लॉयर्स हैं ये पहले ही बता देंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को कि हमें इन पर्टिकुलर स्किल्स की डिमांड है हमें यही ये स्किल्स ये चाहिए आने वाले टाइम में लोगों को इस फील्ड में ट्रेन कर दो और हम उनको हायर कर लेंगे तो यहीं पर जो ये एमओ है ना ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट टू थर्टी वन थाउजेंड रूरल पुअर यूथ जो कि मिनिमम पीरियड ऑफ छः मंथ्स की उन्हें कम से कम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई एंड मिनिमम सैलरी ऑफ टेन थाउजेंड पर मंथ नेक्स्ट किस एरिया के मेट्रो को रिसेंटली रिसीव हुआ प्रेस्टिजियस एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड साइटेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज फॉर थ्री डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अभी महाराष्ट्र मेट्रो को रिसेंटली ऑनर किया गया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड साइटेशन से और यहां पर तीन डिफरेंट कैटेगरीज की बात की गई है अगर इन तीन डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें तो एक रहेगा लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ मेट्रो रेल कॉरिडोर लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ मेट्रो रेल कॉरिडोर दूसरी चीज यहां पे बात की जाती है पहला सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम होगा फर्स्ट फोटोवोल्ट सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम होगा यहां पर आपके मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पे और यहीं पर आप मतलब सोलर एनर्जी की बात की जा रही है और फिर यहीं पे आ जाता है आपका सिंगल स्पैंड डबल डेकर स्टील ब्रिज यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे ओवर रेलवे ट्रैक्स इन अर्बन एरिया तो इन तीजों तीनों चीजों की बेसिस पे इन तीन, तीन डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड साइटेशन से किनको सम्मानित किया गया महाराष्ट्र मेट्रो नगर को अगर मैं यहीं पे बात करूं कोलकाता मेट्रो रेलवे स्टेशन कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यही डेवलप कर रहा है अंडर वाटर मेट्रो अंडर वाटर मेट्रो कहां पर वेस्ट बंगाल कोलकाता में और किस रिवर के नीचे हुगली रिवर के नीचे आप देखेंगे अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन डेवलप किया जा रहा है चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑडिट ऑनलाइन वन द डब्ल्यू एस आई एस प्राइज फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी ऑडिट ऑफ इंडिया पी आर तो याद रखेंगे अभी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने अलॉन्ग विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने जो कि टेक्नोलॉजी पार्टनर रहेगा गवर्नमेंट का इनको कन्फर किया गया है वर्ल्ड सबमिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज दो हजार तेईस से यह बारवा एडिशन है इस प्राइज का एंड ये कहाँ पर हुआ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी ठीक है जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका ये आई के दौरान वर्ल्ड समिट ऑन इंटर सोसाइटी प्राइस से सम्मानित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एज वेल एज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को ठीक है इनके ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए ही इनको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से यहाँ पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना पी आर आई पे बोला गया फॉर ऑनलाइन ऑडिट ऑफ इंडिया पी आर आईज ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना ये आर द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की गई इवन इन द रिमोट एरियाज आप देखते हैं अभी तक पेनिट्रेशन इतना हुआ नहीं है अर्बन एरियाज में हो रहा है एंड ये प्रोसेस बढ़ती जा रही है बिल्कुल आप इसको लोकैरित में कर्व की तरह समझिए धीरे धीरे पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है और एकदम पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी ठीक सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे इन ऑर्डर टू डिलीवर वेरियस सर सर्विसेज यहाँ पे काफ़ी कॉन्टीन्यूसली वर्क किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा पंचायती राज के साथ मिलके इवन आप देखेंगे जो रूरल एरियाज़ हैं वहां पर आप हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इतनी नहीं है तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं वो भी यहाँ पे वर्क करते हैं कि जो अर्बन एरिया रूरल एरियाज़ है अर्बन एरिया में तो लोग के पास होती है हेल्थ इंश्योरेंस लेकिन अर्बन एरियाज में इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए काफी ज्यादा स्टेप्स भी लिए गए हैं चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दलाई लामा जी की इन्होंने अभी एक को, का दर्जा लीडर द फोर्टींथ दलाई लामा इन्होंने रिकॉग्नाइज किया एक एट ईयर यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्न मंगोलियन बॉय को एज द टें धामपा रिमपोचे जो कि थर्ड तिब्बितन बुद्धिज्म का इन द सेरेमनी हेल्डेड धर्मशाला हिमाचल प्रदेश और इस बॉय को रिकॉग्नाइज किया गया एज द री ऑफ खालखा जेतसुन धम्पा रिम्पोचे जो कि एक स्पिरिचुअल नेक्स्ट आई ए इंटरनेशनल एनर्जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इनके बोर्ड ने अभी रिअपॉइंट कर लिया राफेल मारिनो ग्रोसी को एज द डायरेक्टर जनरल फॉर नेक्स्ट फोर ईयर्स ठीक है इनका ये सेकेंड टर्म रहेगा और आने वाले चार साल के लिए इनको फिर से अपॉइंट कर लिया गया है दिसंबर 2023 में इनका टर्म खत्म होगा और दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2027 तक इनका ये टर्म रहेगा फॉर द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आई ए यहाँ पर हेडक्वाटर कहाँ पर रहेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का तो हेडक्वाटर रहेगा वियना ऑस्ट्रिया में एंड नाइनटीन में इसको इस्टेब्लिश किया गया था नेक्स्ट आई जी एन सी ए इनके द्वारा लॉन्च किया गया एक वैदिक हेरिटेज पोर्टल जहाँ पे 550 सौ पचास आरस का ऑडियो विजुअल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा अब ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है ये ऐसे क्यों लॉन्च किया जाता है कि ऑनलाइन ही कंटेंट प्रोवाइड करा दिया है एक रीजन तो होता है कि इसको स्टोर करने के लिए जो हमारे प्री हिस्टोरिक टेक्स्ट है या जो भी हमारे टेक्स्ट हैं जैसे वैदिक नॉलेज है ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको सेव किया जा सके ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी इनको पढ़ सके ऑलमोस्ट ये जो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स है ना 18000 मंत्रास रहेंगे फ्रॉम द फोर वेदा जो कि ऑनलाइन पोस्ट किए गए हैं एट द वैदिक हेरिटेज पोर्टल एंड अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं अलोंग विद जी किशन रेड्डी जी इनके द्वारा लॉन्च किया गया था ये वैदिक हेरिटेज पोर्टल एट द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ठीक है और ये जो पोर्टल है इसको 7 साल लगे हैं बनने में एंड यहां पे 5 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा है टू मेक दिस पर्टिकुलर पोर्टल क्योंकि यहां पे सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी पुरानी इंफॉर्मेशन भी स्टोर रहेगी मेन्यू स्क्रिप्ट और जो स्क्रिप्चर्स है फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए एंड फ्यूचर जनरेशन भी पता कर सके उनको पढ़ सके कि क्या हमारा इतिहास है नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं स्टेट न्यूज की तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर निफ्यू रियोग जी के द्वारा अभी प्रेजेंट किया टैक्स फ्री डेफिसिट बजट वर्थ थर्टीन हंड्रेड सेवेंटी फोर करोड़ रुपीज फॉर द फिस्कल ईयर ट्वेंटी फोर ये जो बजट है आपका क्या है फिस्कल ईयर ट्वेंटी फोर के लिए और तेरह सौ चौहत्तर करोड़ रुपए का डेफिसिट बजट रहेगा ये ठीक है टैक्स फ्री डेफिसिट बजट नेक्स्ट आ जाते हैं रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक तीन एमओयू साइन किए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ तीन एमओयू साइन किए गए अभी रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये जो तीन एम ओ यूज है किस किस फील्ड में रहेंगे देखो ये जो तीन एमओ यू है एक तो रहेगा आपका साइबर सिक्योरिटी में ठीक है दूसरा रहेगा कि जो डाटा सिक्योरिटी है फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक दूसरे के साथ इनोवेशन पे बात की जाएगी वर्कशॉप्स डिजाइन इनोवेशन एंगेजमेंट की बात रहेगी ठीक फिर आ जाता है आपका दूसरा जो एम ओ यूज होता है आपका म्यूचुअल बेनिफिट में कि एजुकेशन को हम कैसे बढ़ाएं कैसे हम हैकेथॉन्स पे बात की जाए पहला हो गया साइबर सिक्योरिटी दूसरा हो गया एजुकेशन रिलेटेड कि हम कैसे हैकेथॉन हैकेथॉन क्या होता है आपको प्रॉब्लम सेट दी जाएगी और उसके ऊपर जो वेरियस टीम्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है उसमें उनको वहाँ पे उस प्रॉब्लम सेट के ऊपर बेसिक इनोवेटिव सॉल्यूशंस देने हैं ठीक तो हैकेथन डिज़ाइन वर्कशॉप्स अलग अलग इनोवेशन एंगेजमेंट प्रोग्राम्स ये सेटअप किए जाएंगे ताकि एजुकेशन पर यहाँ पे बात की जाए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाए जाएंगे कॉर्पोरेट इनोवेशन इंक्यूबेशन प्रोवाइड की जाएगी स्टार्टअप्स को भी यहाँ पर मदद की जाएगी और फिर थर्ड आ जाता है जो विमेन के लिए बोथ इन इंडिया एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया दोनों में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए इन बोथ द स्टार्टअप बेस्ड इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ताकि एक दूसरे के साथ मिलेंगे और वीमेन इक्वेलिटी की भी यहां पे बात की गई ठीक तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने यहां पे एमओ साइन किया तीन एमओ साइन किए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ यहां पे आप देख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स अब आ अफेयर रिविजन पे डी ओ सी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कॉन्स्टिट्यूट की एट टू मॉनिटर स्टॉक ऑफ अरहर जो कि चेयर की, की जाएगी निधि जी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने फॉर्म की एक नाइन मेंबर का टास्क फोर्स टू मेक इंडिया अ प्रोडक्ट डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन गुजरात ए ए आर यहां पर अट्ठाइस परसेंट आपका जीएसटी एंड सेवेंटी वन परसेंट कंपनसेशन टैक्स लगाने की बात की गई फॉर टोबैको सोल्ड इन गनी बैग्स फास्टर रिफॉर्म्स कैन गिव अ बूस्ट टू इंडिया ग्रोथ वर्ल्ड बैंक के द्वारा जी ट्वेंटी एक्सपर्ट ग्रुप ऑन स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज किया गया था आई के द्वारा यहाँ पर अफगानिस्तान मोस्ट इंपैक्टेड कंट्री रही और इंडिया की रैंक रहेगी थर्टींथ आई फर्स्ट बैंक ने पार्टनर किया क्रंच विश्व के साथ टू डेमोन्स्ट्रेट ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स सेबी ने एक्सटेंड किया टाइप लाइन फॉर एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स ताकि जो नॉमिनेशन रहेगा ऑफ देयर नॉमिनी वो की जा सके अंटिल ऑफ थर्टीथर इसको एक्सटेंड कर दिया पहले तीस मार्च तक थी इकतीस मार्च तक फिर साउथ इंडियन बैंक ने टाइप किया सी के साथ फॉर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन नेक्स्ट आ जाता है सी आर आई एफ कनेक्ट प्राइवेट गैस इन्होंने आर का लाइसेंस मिल गया इनको टू ऑपरेट एज एन अकाउंट एग्रीगेटर

डब्ल्यू एस आई एस प्राइज दो हज़ार तेईस से इनको जीता गया फॉर एफिशियंट ऑनलाइन ऑडिट ऑफ इंडियाज पी आर आइज दलाई लामा ने नेम किया यूएस बॉर्न मंगोलियन बॉय को एज द थर्ड हाइएस्ट स्परिचुअल लीडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म आई ए ई ए बोर्ड ने रीअपॉइंट किया राफेल मारियानो ग्रॉसी को एज द डायरेक्टर जनरल फॉर फोर ईयर्स सी सी आई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एन एस पी आई आर ए मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बाय पुनीत कोथापा पोंगुरु सिधुरा एंड पोंगुरु शरानी देन आई जी एन सी ए ने लॉन्च किया एक वैदिक हेरिटेज पोर्टल विथ फाइव फिफ्टी आयर्स ऑफ ऑडियो वीडियो कंटेंट यहाँ पर हमारी हिस्ट्री के ऊपर बात की जाएगी ठीक है कल्चर दर्शाया जाएगा वैदिक टेक्स्ट मंत्रास के, के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी देन नागालैंड के चीफ मिनिस्टर निफ्यू रियो इन्होंने प्रेजेंट किया एक टैक्स फ्री डेफिसिट बजट वर्थ थर्टीन हंड्रेड सेवेंटी फोर करोड़ रुपीज फॉर फिस्कल ईयर ट्वेंटी फोर एंड तेलंगाना गवर्नमेंट ने साइन किए तीन एमओ यूज विद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे आज के करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को फाइनल में हरा दिया टू विन द इनॉग्रल एडिशन या फिर फर्स्ट एडिशन ऑफ द टाटा वीमेन प्रीमियर लीग जो 2023 में हुआ नेक्स्ट इंडिया ने चार गोल्ड मेडल जीते ड्यूरिंग द 13th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड वीमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि दिल्ली में हुई थी फिर इसरो ने वन वेब के सैटेलाइट जो कि यूके की कंपनी है इनके 36 सैटेलाइट्स को 36 वन वेब जनरेशन वन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से और इसरो ने एल वी रॉकेट का यूज किया था टू तो लॉन्च दी सेटेलाइट्स फिर एम थ्री एन ग्रूम एम थ्री एन ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट की बात करें इंडिया की रैंक थर्ड आ जाती है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ मेड बिलेनियर सेल्फ मेड बिलेनियर्स की बात करें तो इंडिया थर्ड नंबर पे आ जाता है इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट फिर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात करें तो जो यहाँ पे लेफ्ट ओवर एरिया है आसपास का एरिया है वहां पर पेड़ पौधे लगाए गए ताकि ग्रीनरी लाई जा सके और ये कार्बन सिंह का यहाँ पर काम कर सके और यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका फॉर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 हजार तेईस यहाँ पे ईशा अंबानी इन्होंने जेन नेक्स एंट्रप्रनोर अवार्ड को जीत लिया याद रखेंगे इंपॉर्टेंट आई रिपीट ईशा अंबानी ने जेन नेक्स्ट एंटरप्रनोर अवार्ड को जीत लिया है जो कि फॉर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 के दौरान इनको सम्मानित किया गया था फिर फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट डेलमा वेना रोसेफ इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है ब्रिक्स बैंक का जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है तो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रेजिडेंट कौन बनी है फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेजिडेंट डेलमा वेना रोसेफ तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिविजन पार्ट आवाज आते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पे सबसे पहला वेयर इज द इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाडन बेस्ड सेकेंड लॉर्ड बसावरा ये ट्वेल्थ सेंचुरी फिलासफर है जो कि किस स्टेट से एसोसिएटेड है थर्ड विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैक डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन तो याद रखेंगे ये तीन आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स आई होप आपको सेशन पसंद आया सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे अगर आप चाहते हैं हम ऐसा कंटेंट डेली बेसिस पे लाते रहें अगर आपको ये सेशन मज़ा आता है सुनने में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं बेसिकली सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट लर्निंग होनी चाहिए कुछ ना कुछ नया पता लगता रहना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो आप नीचे कमेंट और लाइक जरूर करना इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट ला सकूं एंड डेली बेसिस पे आपके लिए कंटेंट रेगुलरली ला सकूं सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर सेवन सिक्स डबल सेवन ट्रिपल थ्री एट सिक्स टू या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई एल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल अफेयर्स क्लाउड अंडर ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं कोड और याद रखना वो है विकास टैन अगर आपको दस का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास टैन कोड यूज कर सकते हैं आपको क्रैक 10 के अलावा 10 परसेंट का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड वेबसाइट से रिलेटेड या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया पैसे कट गए या कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर नाइन या फिर आप मेल कर सकते हैं सपोर्ट एट द रेट ऑफ अफेयर्स क्लाउड डॉट कॉम पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा दैट सॉल्व फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉय द सेशन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द यूट्यूब चैनल एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब चैनल यू कैन गो एंड फॉलो अर्स एट अफेयर्स क्लाउड टेलीग्राम चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द कंटेंट और द of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided that is 767733862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is affairs cloud underscore official. In the end, friends if you use a code that is is 10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. and if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com. and i assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.